हाँ दोस्तों तो 2021 में ना आईकू ने बड़ा ही सही कम किया इंडियन मार्केट में आईकू 7 आईकू 7 लेजेंड सारे लोगों से आपने सुना होगा भाई सब लोगों ने ही तारीफ करी है उन फोन्स की आईकू जी थ्री के साथ आईकू सेम एक्सपीरियंस अपना बीस हज़ार प्राइस सेगमेंट में लेके आने की कोशिश कर रहा है तो स्पेक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे दे दिए हैं आईकू ने प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी रख दी है लेकिन कुछ गलत डिसीजनस भी आईकू ने इस फोन के साथ ले लिए हैं तो वैसे काफी टेस्टिंग काफ़ी वीडियोज में इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ लेकिन अब लास्ट बीस दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा था अपने डेली ड्राइवर की तरह तो फुल अच्छे से मैंने इसका एक्सपीरियंस ले लिया है सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें क्या हैं इस फोन की अगर आप ये फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन आपको कंसीडर करना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से और आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फोन से पहली चीज तो जो बैक है यहां पे प्लास्टिक की है पर इससे मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है जो फिनिश यहां पे यूज करी गई है कहने के लिए मैट है लेकिन एक्चुअली इस पे फिंगरप्रिंट हमेशा पड़े रहते हैं और बड़ा ही ना ऑयली ऑयली सी फील होती है इसको जब भी आप छूते हो वैसे इसको अगर आप साफ करते रहोगे तो ये जो साइबर ब्लू कलर है काफी अच्छा सा लगता है दिखने में अलग अलग कलर यहाँ पे दिखते हैं लेकिन गंदा होने में इसको पांच सेकंड भी नहीं लगते हैं और एक और चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ की ऑलरेडी मुझे थोड़े थोड़े स्क्रैचेस दिखने शुरू हो गए हैं बैक पे आगे की साइड भी चिंदीगिरी करी गई है यहाँ पे हमें कोई भी ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं दी गई है तो पूरी स्क्रीन पे हर टाइम आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस दिखते रहते हैं और ये मतलब पीछे भी स्मजेस आगे भी स्मजेस तो ओवरऑल वो फोन को हाथ में पकड़ के यूज करने का एक्सपीरियंस काफी चीप सा फील होता है अगर आप पीछे कवर चढ़ा लोगे और आगे स्क्रीन गार्ड लगा लोगे तो ये चीजें दिक्कत नहीं देंगी आपको और आई थिंक ज्यादातर लोग ऐसे ही यूज करते हैं अपने फोन को उसके अलावा फोन का जो ओवरऑल वेट और थिकनेस है वो ज्यादा बल्कि नहीं है आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हो हाथ में बाकी फोर्ट्स और बटन की बात करते हैं तो पा बटन वॉल्यूम रॉकर दोनों आपको राइट साइड पे मिल जाते हैं नीचे की साइड आपको हेडफोन जैक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलती है और हाईब्रिड कार्ड शॉट आपको मिल जाता है तो आप दो फोर जी सेम या फिर एक माइक्रो एस डी कार्ड डाल सकते हो डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो यहाँ भी ऐसा कुछ अनोखा करने की कोशिश नहीं करी है

यहाँ पे कंटेंट चलता हुआ नहीं दिखा और ओवरऑल ठीक है मतलब स्क्रीन लेकिन हाँ अगर आप कंपेयर करोगे Redmi Note 10 Pro वगैरह से तो फिर मैच नहीं कर पाती है बाकी जो स्पीकर है सिंगल स्पीकर है और काफी बिलो एवरेज ही मैं इसको बोलूंगा लाउडनेस ठीक ठाक है लेकिन काफी ज्यादा पतली आवाज आती है बेस बिल्कुल ही गायब है और फाइनली जो हैप्टिक फीडबैक यूज किया गया है इस फोन पे वो भी काफी ज्यादा चीप है पूरा फोन एकदम झंझना जाता है आपका जब भी वाइब्रेट होता है तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जो ओवरऑल एक खुशी सी होती है ना फोन यूज करने की वो यहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन अगर आपको लगता है इन इश्यूज से आप आगे बढ़ सकते हो तो इस वीडियो में भी हम आगे बढ़ सकते हैं बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो तीन स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पे आईको लेके आया है एट वन ट्वेंटी है और एट टू फिफ्टी सिक्स जीबी वाला है।, जो प्रोसेसर है यहाँ पे स्नैप ड्रैगन सेवन सिक्सटी एट जी है जो सेवन सिक्स का थोड़ा सा ओवर क्राउड वर्जन है और सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो पोको एक्स थ्री प्रो का जो स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी है उसके बाद आप मान सकते हो ये सेकंड बेस्ट प्रोसेसर है इस टाइम बीस हजार के अराउंड डिटेल परफॉर्मेंस टेस्ट अगर आपको देखना है सेवन सिक्सटी एट सेवन सिक्सटी फाइव एट सिक्सटी का लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड में मिल जाएगा बाकी इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में पे मतलब अच्छा खासा तगड़ा है प्रोसेसर तो चाहे आप हो एकदम ऐप स्विचिंग वगैरह कर रहे हो ऐसी कभी मुझे पावर की कमी यहां पे फील नहीं हुई बाकी गेमिंग तो देखो, के का पार्ट है और यहां पे फिर से अल्टीमेट गेमिंग फोन नहीं है क्योंकि वो पोको एक्स थ्री प्रो है लेकिन उसके बाद आप इसको आराम से मान सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटल ग्राउंड में आपको सिक्सटी एफ का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और सस्टेन परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी खासी है और मेरे ओवरऑल फोन यूजेज में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फोन एकदम से लैग हो रहा है या फिर ओवर वगैरह कुछ हो रही है लेकिन हाँ जब हम इसका बैटरी टेस्ट वगैरह कर रहे थे तब हमने ये नोटिस किया था कि जब लगातार इस पर बेंच चल रहे थे या लगातार एशफोड लाइन चल रहा था तो स्क्रीन ब्राइटनेस इसमें काफी जल्दी डेप हो जा रही थी तो वो एक चीज है अगर आप बहुत हेवी गेमर हो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है इस बैटरी लाइफ पे तो ये एक चीज है जिसमें इस फोन ने मुझे काफी सरप्राइज किया तो फोर्टी फोर हंड्रेड एमएच की यहाँ पे बैटरी है और मुझे छे घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम पे आराम से मिल जा रहा था अभी सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जनरली जो हमने वन ट्वेंटी हर्ड एल सी फोन देखे हैं पोको एक्स टू पोको एक्स ये सब वो छह हजार एम एच बैटरी के साथ भी छह घंटा साढ़े छह घंटा बस टिकते हैं तो फोर्टी फोर हंड्रेड एमएच के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छी बैटरी लाइफ है बाकी चार्जिंग में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी सिक्सटी सिक्स वोट का चार्जर हमें यहाँ पे मिलता है सपोर्ट ही फाइव वॉट करता है लेकिन लेकिन 50 मिनट 55 मिनट में फुल हो जाता है तो काफी अच्छी है चार्जिंग स्पीड भी है पूरा बैटरी टेस्ट चार्जिंग टेस्ट इसका मैंने ऑलरेडी करा हुआ है वो आप यहां पे देख लेना सीरीज के बारे में एक चीज जो सबको अच्छी लगी थी कि वो गेमिंग फोन परफॉर्मेंस फोन है तब भी उनपे कैमराज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था और आई थिंक सेम चीज आप आइको Z3 के लिए भी सच मान सकते हो तो यहाँ पे स्पेक्स पहले आपको बताया हूं सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल प्राइमरी है सैमसंग जी डब्ल्यू थ्री सेंसर आठ मेगा पिक्सल वाइड है और एक दो मेगा पिक्सल मैक्रो है जो यूजलेस है फिक्स फोकस वाला यहाँ पे काफी अच्छा हो जाता अगर हमें वीवो के फोन की तरह ही अल्ट्रा वाइड से मैक्रो लेने का ऑप्शन मिल रहा था जो सेल्फी है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और ये काफी अच्छी फोटोज ले लेता है अब एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन में इसका ऑलरेडी कर चुका हूँ वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और यहाँ पे बेसिक्स आपको बताया हूं ज्यादा टाइम आपको अच्छी दिखने वाली फोटोज मिल जाएंगी आईको जी से ऐसा बहुत ज्यादा नेचुरल या कलर एक्यूरेट नहीं होती है इसकी फोटोज लेकिन सोशल मीडिया रेडी होती है आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे डालने में अच्छी लगेंगी बढ़िया पॉपी से कलर्स होते हैं और अगर मैं पोको एक्स थ्री प्रो रियलमी एक्स इन फोन से कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली थोड़ी बेटर है बाकी बस वही चीज आपको याद रखनी है कि थोड़े ज्यादा ये अपने कलर बूस्ट करके रखता है और जैसे आप ब्यूटी मोड ऑफ भी कर दोगे तब भी आपकी स्किन को ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्मूथ बना देता है है वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 4K 60fps मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको कोई भी नहीं मिलती है तो फोर के थर्टी एफपीएस को करनी पड़ेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी है सेल्फी वीडियो आप टेन टी थर्टी में कर सकते हो वो यही कैमरा कंपेरिजन वाली वीडियो आप देख लेना उसमें पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो का भी लास्ट चीज़ आते हैं सॉफ्टवेयर पे तो भाई यहाँ पे हमें एंड्रॉइड 11 मिलता है ऊपर से फन टच ओ एस है और ये हम देख ही चुके हैं अभी काफी सारे फ़ोन्स पे इस साल विवो आईकू के ये आई थिंक पिछले एक दो साल में सबसे ज्यादा इंप्रूव करने वाली सॉफ्टवेयर स्किन है काफी ज्यादा लाइट हो गई है अब काफी ज्यादा एंड्रॉइड जैसी फील होती है अब जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही शानदार है ब्लूटवेयर यहाँ पे आपको काफी सारा मिल जाता है हॉट गेम्स हॉट एप्स ये सब भी है लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा कुछ परेशान नहीं किया मेरे यूज के टाइम अलग से कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई थोड़ी बहुत चीजें आप डिलीट कर सकते हो बाकी नोटिफिकेशन आप ऑफ कर देना बाकी फंटा चोस में आपको गूगल डायलर और मैसेजेस नहीं मिलते हैं बाई डिफॉल्ट तो वही वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अनलॉकिंग के लिए हमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है काफी सही काम करता है बाकी फेस अनलॉक भी यहाँ पे काफी तेज है इसके अलावा अगर आप आठ रैम वाले मॉडल लोगे इस फोन के तो आपको एक एक्सटेंडेड रैम फीचर भी मिल जाता है इसका मतलब क्या है कि जो स्टोरेज है इस फोन की वहां से तीन जी बी स्टोरेज ये फोन यूज कर सकता है अपने रैम की तरह तो जो मल्टीटास्किंग होती है कि कितनी एप्स आपकी बैकग्राउंड में खुली रहती हैं वो चीजें थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी बात करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस की तो डुअल सिम फोन है ये फाइव जी रेडी भी है दो फाइव जी बैंड है यहाँ पे लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना अभी तक हमें पता चल रहा है लग रहा है कि एन जो बैंड है वो डेफिनेटली इंडियन फाइव जी नेटवर्क पे आने वाला है बाकी फोर जी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने एयरटेल के साथ यूज किया था इसको गुड़गांव में और मतलब अच्छा खासी थी नेटवर्क परफॉर्मेंस कैरियर एग्रीगेशन यहाँ पे है लेकिन सिर्फ सिंगल बैंड कैरियर एग्रीगेशन करता है और ओवरऑल जो कॉल क्वालिटी थी वाईफाई स्पीड्स वगैरह थी उसमें मुझे ऐसी कुछ दिक्कत फेस नहीं हुई तो ये था iQOO Z3 के साथ मेरा एक्सपीरियंस अब इस फोन में ना काफी सारी अच्छी चीजें हैं 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस आपको मिल जाती है परफॉर्मेंस जो है यहां पे काफी अच्छी है इसके अलावा जो कैमरास हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हैं प्लस 5G फोन है ये तो फ्यूचर रेडी आप रह सकते हो इसके साथ दिक्कत इसकी क्या है कि कुछ बेसिक चीजों में आईको ने यहाँ पे कमी छोड़ दी है ये जो ऑयली सी बैक है सामने की ये स्मजी सी स्क्रीन है इसके अलावा जो स्पीकर है काफी एवरेज सा है वाइब्रेशन फीडबैक काफी खराब है तो ओवरऑल इस फोन को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो जैसे मी टेन आए या रेडमी नोट टेन प्रो सीरीज ऐसे फोन से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा चीप लगता है लेकिन देखो इसकी प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखें बीस हज़ार रुपये फोन स्टार्ट हो जाता है और ओवरऑल डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है उस प्राइस पे अब पोको एक्स थ्री प्रो से अगर को कंपेयर करूं तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको पोको एक्स थ्री प्रो पर बेटर मिल रही है लेकिन पोको X3 Pro में फाइव जी नहीं मिलेगा और कैमराज में ही थोड़ा सा वीक रह जाता है रेडमी नोट टेन प्रो नोट टेन प्रो मैक्स में आपको काफी ज्यादा बेटर डिजाइन मिल जाता है डिस्प्लेज यहाँ पे काफी अच्छी है स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं और बैटरी लाइफ आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पे भी आपको फोर से काम चलाना पड़ेगा और जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी पीछे मानूंगा मैं आईको जी से फिर आ जाता है वन प्लस नोट जिसमें फाइव भी है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी लगभग बराबर की मिल जाएगी जिसमें डिस्प्ले आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है लेकिन इस फोन के साथ तो कुछ अलग ही कांड कर दिए वन प्लस कैमराज वगैरह में पता नहीं क्या अजीब सा कर दिया है तो ओवरऑल निष्कर्ष ये है अगर आपको फाइव नहीं चाहिए तो नोट टेन प्रो नोट टेन प्रो मैक्स ले सकते हो अगर आपको कैमराज तो जरूरी नहीं चाहिए गेमिंग ज्यादा जरूरी चाहिए तो पोको एक्स प्रो ले सकते हो लेकिन अगर आपको फाइव भी चाहिए अगर आपको गेमिंग भी करनी है अगर आपको कैमराज भी अच्छे चाहिए तो फिर आईकू Z3 बेस्ट पैकेज है पैकेज अच्छा है बस पैकेजिंग इसकी और अच्छी करी होती है आईकू ने तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता तो खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही आप बताओ आपको कैसा लगा आईकू जी थ्री और, और कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं नीचे कमेंट कर सकते हो ट्विटर पे आके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो मुझसे मैंने तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए